हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति आज से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल पहले हुई होगी। उसके बाद से नियमित अंतराल पर आपके ICDS ऑफिस से, CDP ऑफिस से आपके नियुक्ति के समय जो भी डॉक्यूमेंट जिस आधार पर आपकी नियुक्ति हुई थी उसका डॉक्यूमेंट हमेशा मांगा जाता रहा है ताकि उसकी जांच की जा सके। इसी के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के डॉक्यूमेंट जमा करने के संबंध में बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा ब्लॉक से खबर निकल के सामने आ रही, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। एक नियमित जांच पड़ताल के तौर पर नियम के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाती है। चलिए डिटेल में खबर आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में जो खबर है बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में सेविकाएं मौजूद है। ये जो है एक तरीके से इनकी मीटिंग चल रही है ऑफिस में, और यहाँ पर भी आप लोगों से भी ऑफिस में जो है आपका डॉक्यूमेंट मांगा गया होगा। लिखा गया है सेविकाएं अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति जो है प्रखंड ICDS कार्यालय में जमा करें, पश्चिमी चंपारण के बगहा की खबर है। लिखा गया मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सहित पोषाहार व THR वितरण की समीक्षा हुई, लेकिन आखिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा क्यों जाता है, इससे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया प्रखंड बगहा 2 के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पदस्थापित सेविकाओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। ऐसे में सभी सेविकाएं अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति प्रखंड ICDS कार्यालय को जमा करें ताकि समय से प्रमाण पत्रों की जाँच की जा सके। उक्त बातें DPO कविता रानी ने कही। वे बुधवार को ICDS कार्यालय बगहा 2 में आयोजित सेविकाओं की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। इसको लेकर वैसे केंद्र जहां अभी तक विद्युत का कनेक्शन नहीं, इसकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मातृत्व वंदना योजना सहित पोषाहार एवं THR वितरण की समीक्षा की गई। इसको लेकर सेविकाओं को कई आवश्यक निर्देश दिया गया। DPO ने कहा THR वितरण एवं केंद्र के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। अगर केंद्र पर अनियमितता मिलती है तो संबंधित सेविकाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिए जो है प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। इस दौरान बगहा 2 CDPO और कई अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का होगा क्या, तो ये जो डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट है जिस आधार पर आपकी नियुक्ति आज से 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल पहले हुई होगी, भले ही मैट्रिक तक हो या इंटर तक हो या ग्रेजुएशन तक हो। ये डॉक्यूमेंट फिर से जो है टाइम टू टाइम वेरीफाई होते रहते हैं और उसको अपडेट रखा जाता है कि जो दस्तावेज है वो सही है नहीं है, या फिर उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह से सरकारी नौकरी होती है। अब उम्मीद करूँगा आपको वीडियो जानकारी मिल गई होगी डॉक्यूमेंट के संबंध में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।